हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। तो दोस्तों, शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में आई है 13,000 से ज़्यादा वैकेंसी। तो आइए, इस वैकेंसी से पहले आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इसमें कितना फी लगेगा और ऑनलाइन कहां से होगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों, इस जॉब से भरने से पहले मैं कुछ इस जॉब के बारे में थोड़ा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, ERDO रिक्वायरमेंट 2018, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 13,634 BTT, DEC और BEC पोस्ट। तो आप पोस्ट का नाम तो जान ही गए होंगे, जैसे सेम चीज़ यहीं पर, यहाँ पर भी वही बात लिखा हुआ है। एक सेकेंड दोस्तों, कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वैकेंसी टोटल दिया हुआ है 13,634 और पोस्ट डेट है 19/9/2018। चलिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ। जैसे यहाँ की लिखा है, एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ERDO, जिसका फुल फॉर्म है एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेसिक ट्यूशन टीचर। BTT का मतलब आप समझ गए होंगे, बेसिक ट्यूशन टीचर। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कंट्रोलर DEC, DEC का मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कंट्रोलर, एंड बी ब्लॉक एजुकेशन कंट्रोलर BEC ब्लॉक एजुकेशन कंट्रोलर। एंड वैकेंसीज दोज कैंडिडेट हु आर द इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल एंड कंप्लीटेड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बता दूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में। तो वीडियो के साथ आप बने रहे दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिस ना हो और आप कोई भी फॉर्म समय पे भरे। ऐसा होता है दोस्तों कि वीडियो वो कैंडिडेट देखते हैं जो एक्सपायर हो जाता है डेट, तब देखते हैं, जो कि बहुत ही उनको देखने के बाद गिल्टी फील होता होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है। जैसे आपको जॉब से संबंधित रिजल्ट, एडमिट कार्ड का पब्लिश्ड हुआ, सिलेबस के बारे में आपको बताया जाएगा। तो एजुकेशन से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करना आपको हमेशा फ़ायदा ही देगा। अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि कितना फ़ी है और कैसे ऑनलाइन होगा। यहाँ देखिए, ये एप्लीकेशन फ़ी है और ये BTT यानी कि ब्लॉक टीचर ट्रेनिंग का जो हम बताए थे, उसके बाद ये पोस्ट DEC डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कंट्रोलर और BEC ब्लॉक एजुकेशन कंट्रोलर, ये कैटेगरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी और OBC से बिलोंग करते हैं तो उसके अनुसार ये फ़ी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, इस पोस्ट के BTT के लिए जनरल कैटेगरी और OBC का लगेगा आपको 450 रुपया, SC ST का 250 रुपया, और PH फिजिकल हैंडीकेप है तो 250 रुपया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कंट्रोलर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको लगेगा 600 SC और OBC का, और SC ST का मात्र 400 रुपया, और फिजिकल हैंडीकेप का PH का 50 रुपया। BEC का अगर बात करें तो इसका 600 रुपया, और इसका 400, और इसका 50 रुपया। इस तरह से एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों। स्टार्टिंग डेट है इसका कि 16 सितंबर से अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में। इसका लास्ट डेट है 18 अक्टूबर तक ये फॉर्म भराएगा, और इसका प्रिंट एप्लीकेशन जो है 25 तक आप ये प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद एज की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, एज लिमिट एज 1/7/2018, तो जुलाई तक दिया है, 1 जुलाई तक आपका एज। DEC के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जो हम आपको ऊपर बताएं, उसके लिए 24 इयर्स रहना चाहिए, और BEC के लिए 22 इयर्स, और BTT के लिए 21 इयर्स रहना चाहिए। मैक्सिमम एज दिया है 45 इयर्स, यानी कि 45 वर्ष का ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पोस्ट वाइज दिया है किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी दिया है। यहाँ बेसिक ट्यूशन टीचर के लिए है 13,250, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि एनी डिग्री, BEd रहना चाहिए या BTC, BPED और DEd या JBT और NTC PTT। ये है आपको एजुकेशन बेसिक ट्यूशन टीचर के लिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कंट्रोलर के लिए देखिए 29 पोस्ट है, और इसके लिए MEd, MA एजुकेशन, MPhil और PhD रहना चाहिए इस पोस्ट के लिए आपको ये एजुकेशन। उसके बाद ब्लॉक एजुकेशन कंट्रोलर BEC के लिए 383 पोस्ट है, और इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है BEd, BTC, BPED और DED, JBT और NTCP,
PTT एजुकेशन आना चाहिए थी। इस तरह से आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस जॉब से बारे में मिल ही गया होगा दोस्तों। तो अब आपको ऑनलाइन करने की प्रोसेस बता देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा यूजफुल लिंक दे दिया हूँ और बिहार से रिलेटेड और भी बहुत सारे जॉब आए हैं उसका भी लिंक दे दिया हूँ। तो अगर आप एलिजिबल है तो वो भी वीडियो देखिए और फॉर्म भरें। तो कैसे लगे वीडियो ज़रूर फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जैसे आप इसके होम पेज पे जाइएगा तो आपको इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे आप डेट देख रहे हैं और यहाँ से आप क्लिक करके जो है अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।